ये मैं हूँ, ये चीकू है और ये मेरी दोनों धर्म पत्नियां हैं, दोनों धर्म पत्नियां हैं, दोनों धर्म पत्नियां हैं। कुछ भी क्या चौंक गए? हां जी, यही तो चल रहा है हमारे इंस्टाग्राम पर, दो धर्म पत्नियां। कंट्रोल कंट्रोल उदय डैश डैश डैश। आप आपकी मन अनुसार ये डैश को फिल इन कर सकते हो, क्योंकि मैं तो गालियां नहीं देती, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूं ना। नहीं नमस्त सखा एंड सखियो, मैं हूँ दानिया एंड मेरी चैनल पे अब सबका स्वागत है। एंड मीट हमारी चैनल की नई मेंबर, जो कि मेरे साथ आई थिंक वीडियो में बैठ भी सकती है, ठीक है। सो मैंने सोचा अकेला वीडियो करने से कोई तो मुझे मिल गया वीडियो करने के लिए यार। सो आज का मसालेदार बातचीत शुरू करते हैं। So, आज मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी पुराना टिकटॉक स्टार एंड अभी रील्स पे राज करने वाला अरमान मलिक से। नहीं 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 नहीं, कोई गलत फहमी में मत पड़ जाना, ये सिंगर अरमान मलिक नहीं है, ये है हमारा क्रिंज इनटू 100 स्टार अरमान मलिक। क्या कौन है ये? वैसे तो ये ऐसे कोई बड़ी काम नहीं किया कि आप लोग इसको जानोगे। इनके लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि इनके पास एक नहीं दो धर्म बहुत ही ज्यादा हॉट। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यार लोगों के पास एक बीवी नहीं होती एंड ये तो दो बीवी लेके घूमते हैं। वैसे तो यू नो, जब मैं इन लोगों की पहले वीडियो देखा था ना, तब मैंने सोचा था कि मे बी ये इनके साली या फिर बहन ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये दोनों ही इनके बीवी है, मतलब ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो बीवी को लेके घूमता है, क्या हमारे इंडिया में ये लीगल है? आई डोंट नो यार, मुझे तो नहीं पता कि ऐसी कोई काम लीगल होता है। अगर किसी के बीवी के साथ डिवोर्स हो गया या फिर डेथ हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी एक बीवी जिंदा है, आप उसके साथ भी रह रहे हो, उसके साथ और एक बीवी आके एक साथ रह रहे हो, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एंड अब इनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, उसको देखो, मतलब कहां से आते हैं ऐसे एटीट्यूड यार। हजारों से बातें नहीं करनी, हजारों बातें करनी है किसी एक से। ओ तेरे संग यारा खुश रह। क्या कहा? चलो दोबारा देखते हैं रील्स को। हजारों बातें करनी है किसी एक से, किसी एक से। यार मुझे तो कैसे भी इस वीडियो में एक नजर नहीं आ रहा है जिसके साथ वो हजारों बातें कर सके, मुझे तो इस वीडियो में दो नजर आ रहा है। I don't know क्यों, शायद मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगा। मस्त जोक मारा रे। यार जो वीडियो कर रहे हो उसको थोड़ा समझ के, थोड़ा सुन के रील्स बनाओ यार। कुछ भी। तो चलो इन लोगों के और भी थोड़े वीडियोस हम देखते हैं। वाह बहुत ही अच्छा है, चलो आगे भी देखते हैं। और एक हाँ ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चलो और एक देखते हैं। इसमें भी चल रहा है वो, ठीक है और एक देखते हैं। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में। फिर से चलना, मतलब पूरा इंस्टाग्राम पे इन लोगों ने सिर्फ चल के ही मिलियंस फॉलोअर्स गेन कर लिए। यार आप कहाँ जाना चाहते हो मुझे बता दो, मुझे बता दो, मैं आपको ले जाऊंगी। ऐसे चल के तो पूरी दुनिया घूम ली यार, हर एक वीडियो में चलना चलना एंड चलना, बस बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले कर दिया और उसके साथ स्लो मो में चलने लग गए, बस और क्या चाहिए। आपका लगातार हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। Thank you.
मतलब लोगों को तो एक बीवी का गुस्सा संभालना नहीं आता एंड ये तो दो बीवी का गुस्सा संभाल रहा है, मतलब टैलेंट है बनने में तो यार सच में। किस्मत देखो यार, एक नहीं दो बीवी मनाने की कोशिश में है, समझ सकते हो आप? अब भी जा रहे हो ना इसके जैसा होने के लिए? नो नेवर एवर, ठीक है? आप कुछ भी देख के इंस्पायर हो जाओ लेकिन इसको देख के प्लीज 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 इंस्पायर मत होना, ठीक है? वो आपके लिए बुरा होने वाला है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एंड सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इनके जो दो बीवियां हैं उनके पास मिलियंस फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, बट इनके पास तो वो नहीं है यार। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे, मैंने आज तक किसी के में गलत, यू नो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैंने ये देखा कि इनके जो वाइफ्स है वो लोग जिम जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा हॉट बॉडी है उसको बस शो ऑफ करते रहते यार, मतलब चलते हैं दिखाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सच में। मेरे दिमाग में तो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि दो बीवी के बीच इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग कैसे हो सकता है? मतलब एक हस्बैंड, उसके दो बीवी एंड दोनों में से इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे, मतलब किस रीज़न पे है यार, मुझे नहीं पता यार कैसे हो सकता है ऐसे। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी किसी से प्यार करते हो तो आप दूसरे की तरफ देखोगे ही क्यों यार, आप जब किसी एक को प्यार करते हो तो उसको ही लेकर के सोचोगे एंड चाहे वो आई थिंक कितना भी सुंदर हो, कितना भी ज़्यादा हैंडसम हो, कुछ भी हो, वो ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए जब आप किसी एक को प्यार करते हो। बट इन्होंने तो प्यार का मतलब ही बदल दिया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ ये वीडियोस के बाद ना तो मेरे कमेंट पे या फिर उन लोगों के कमेंट में जाकर के कोई भी हेट मत फैलाना, बस ये उनकी मर्जी है कि दो बीवी को लेकर के घूमते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग जलते हो इससे, लेकिन यार आपके पास अगर एक बीवी है ना तो वो सब कुछ है आपके लिए, इससे मत इंस्पायर हो आई थिंक सो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है और कुछ भी इसके पीछे रीज़न नहीं है, ठीक है? I hope you enjoyed this video and if you did so please don't forget to drop a like and subscribe to my channel yaar, jaldi se jaldi channel ko subscribe kar dena with the bell notification taki main jab bhi video upload karu uska notification sabse pehle aapke paas pahunch jaye. Thank you so much for watching this video, thank you so much for your love and support, so yeah, see you in the next video, till then bye bye, take care.